सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के B27 प्रो फोन के न्यू थीम्स ऐड करने के बारे में। अगर आपके आई थीम में कोई भी थर्ड क्वालिटी थीम्स एंड फॉन्ट वगैरह ऐड नहीं कर पाता, तो फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद 101% जो कि मैं बता रहा हूँ 101% आप लोग अपने फोन में ऐड भी कर पाओगे एंड अप्लाई करके यूज भी कर पाओगे। जो मैं अपने होम स्क्रीन पे थीम को यूज भी कर रहा हूँ, उसी थीम को भी आप लोग बताऊंगा ये थीम्स आप लोग को कहां से डाउनलोड करना है एंड कैसे ऐड करना है अपने फोन में, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप लोग ऐड नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद 101% मैं बता रहा हूं आपके फोन में थीम एंड फॉन्ट ऐड करके आप लोग अप्लाई करके यूज कर पाओगे वीवो के B27 प्रो फोन में। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते अपने फोन के स्क्रीन पर और आप लोग को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग को देखोगे तो मेरे फोन में कुछ इस प्रकार का थीम्स अप्लाइड है। ये वाला थीम्स मैंने अपने फोन में बाहर से थर्ड क्वालिटी थीम्स को ऐड किया है, यूज भी कर रहा हूं। जहां पर आई थीम के अंदर अगर आप लोग को जाओगे देखोगे तो मेरे फोन में यहां पर आई थीम्स सो रहा है, लेकिन आई थीम के अंदर देखोगे लोकल थीम पे जाते हो और इसका वर्जन देखोगे तो यहां पर देखोगे B7.9.1.2 का वर्जन इसके अंदर रन कर रहा है, लेकिन ये वाले अंदर में आपको इसके अंदर कोई भी थीम्स थर्ड क्वालिटी नहीं ऐड हो पाता है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा। यहां पर लोकल थीम पे जाते हो तो जिसके अंदर हमारा जो थीम्स मैंने अपने फोन में यूज कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर यहां पर कहीं पे थीम्स नहीं दिख रहा होगा, आप लोगों को देख सकते हो वाला थीम्स यहां पर कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो मैं यहां पर कैसे ऐड किया हूं और कैसे यहां पर करना है, जो पहले वाला थीम्स मैंने ऐड किया इसके अंदर शो हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में एंड बाहर से थर्ड क्वालिटी थीम्स को ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर आपको प्ले स्टोर में आना है और एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर में आ जाना है और आने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सर्च पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है जेड फॉन्ट। जैसे लिखोगे तो आपके फोन में जेड फॉन्ट एप्लीकेशन आ जाएगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे फोन में डाउनलोड है तो उससे आप लोग अनइंस्टॉल करके फिर से डाउनलोड करोगे तभी जाकर काम करेगा, तो उसे अनइंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से अनइंस्टॉल करके एंड डाउनलोड कर लिया है। तो हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हमारे पास एग्री का ऑप्शन आएगा, एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है अलाउड पे, तो यहां पर अलाउड क्लिक करना है। उसके बाद हमारा यहां पर ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का फॉन्ट आ जाएगा। तो अब यहां पर आपको कुछ फॉन्ट वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं ये वाला फॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूं और मेरे पास एक ऐड आ चुका है। तो ऐड को करेंगे स्किप, स्किप कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद स्किप हो चुका है। अब यहां पे हम करते हैं डाउनलोड पे क्लिक, अलाउ पे क्लिक करेंगे और हमारा फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ लोग यहां पर कहते हैं मेरा फॉन्ट फेल हो जाता है, फ्रेंडिंग में हो जाता है, डाउनलोड नहीं होता। तो यहां पर किस लिए मैं डिलीट कर, इसीलिए तो मैं डिलीट किया हूं क्योंकि जेड फॉन्ट एप्लीकेशन को अगर आप लोग डिलीट करके फिर से डाउनलोड करोगे तो आपका अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको गेस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहां पर आपको यूज फोल्डर पे क्लिक करना है और यूज फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर काम हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो 15 MB का कुछ ऐप आपका डाउनलोड होगा, तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है 15 सेकंड तक। तो यहाँ पर यह डाउनलोड हो जाएगा, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है को आपका नेट कितना फास्ट है। तो नेट फास्ट है तो आपका जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, अगर आपका नेट स्लो है तो आपको टाइम लग सकता है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गेस्ट स्टार्ट ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, डिफॉल्ट का ऑप्शन और नीचे एक ऑप्शन ये वाला ऑप्शन। तो आपको फर्स्ट वाले पे डिफॉल्ट पे क्लिक करना है और यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, डेवलपर एंड स्टार्ट का ऑप्शन। तो आपको पहले क्या करना है, डेवलपर पे क्लिक करना है। डेवलपर पे क्लिक करने के बाद आपको इनेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास अबाउट फोन ओपन हो जाएगा। अबाउट फोन में आने के बाद आपको यहां पर वर्जन पे क्लिक करना है और बिल नंबर दिख रहा होगा, आपको बिल नंबर पे 7 बार टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके का पासवर्ड मांगेगा, आप लोग देख सकते हो, पासवर्ड डालना। आप लोग को पासवर्ड डालने के बाद आपका यहां पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, जेड फॉन्ट एप्लीकेशन में आ जाना है। आने के बाद यहां पर आपको इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा, यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको फिर से जेड जो कि डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद हमें यहां पर क्या करना है देख सकते हो, जो कि वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके घर में वाईफाई तो वाईफाई कनेक्ट करना, अगर आपके घर में वाईफाई नहीं, हर किसी के घर में तो वाईफाई नहीं होगा, तो आपको अपने मम्मी पापा का फोन से कनेक्ट कर लेना, अपने दोस्त यार से कनेक्ट करवाकर उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। और यहां पर आप लोग देखोगे तो मैंने पहले से कनेक्ट किया है और आपको भी कनेक्ट करवा लेना है। अब दोस्तों, यहां पर मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं।
तो नीचे आओगे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको यूएसबी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आपको ऑन करके ओके पे क्लिक कर देना है। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है आपका वायरलेस का, तो यहाँ पर क्लिक करना, अलाउ पे क्लिक करना, इसमें आपका ये ओपन नहीं होता, इसीलिए वाईफाई को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कोड लेना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है और हमारा कोड आ चुका है 33.3, जो कि देख सकते हो 33491। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोड डालेंगे 30, देख सकते हो हम डालते हैं 30 और यहाँ पे डालते हैं 34 और डालते हैं यहाँ पर 34 हो चुका हमारा 91। डालने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे और हमारा कोड यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब क्या करना है, जेट फोन एप्लीकेशन के अंदर आना है। जेट फोन एप्लीकेशन के अंदर आप आओगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा इस तरीके से। आपका एप्लीकेशन देख सकते हो क्लोज होगा, जैसे कि यहाँ पर क्लोज करने के ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन और आ जाता है। तो आपको नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको फिर से आना है और इन्हें आपको ऑन ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद इसे आपको ऑन करने के बाद अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको ओपन करना है डेवलपर ऑप्शन, अपने आप एप्लीकेशन बैग होगा एंड ओपन हो जाएगा। तो ये आपका काम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोग फॉन्ट ऐड कर सकते हो, फॉन्ट यहां से आप लोग ऐड कर सकते हो, देख सकते हो मेरा फॉन्ट यहां पर ऐड हो चुका है, ऐड आ चुका है। तो ऐड को स्किप करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखोगे तो फॉन्ट ऐड हो चुका हमारे वीवो के B27 फोन में, यहां पर देख सकते हो ऐड हो चुका है, देख सकते हो वीवो का थीम्स है। यहाँ पर जो भी चीज आपको चाहिए यहाँ पर ऐड हो चुका है, फॉन्ट वगैरह यहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपका फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है इस तरीके से। तो यहाँ से आप लोग फॉन्ट ऐड करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताएंगे हम लोग न्यू थीम्स को ऐड करके दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कैसे आपको डाउनलोड करने का प्रोसेसर बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैंने लिंक रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है लिंक पे जैसे, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ईमेल आईडी है, इस पर क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होगा। एंड इस तरीके से डाउनलोड होने के बाद अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, अपडेट पर क्लिक करना है और आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जेट फोन्ट वाला एप्लीकेशन जो कि आप लोग कर लिए थे, लेकिन ये थीम्स वाला ऐप है, जिसे आपको अपडेट करना होगा, जो कि इसका वर्जन कुछ कम है, तो इसके अंदर थीम्स ऐड हो जाता है। तो अब दोस्तों इसे ओपन करना है और यहां पर आपको अलाउ पे क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होने के बाद जो पहले का थीम्स मैंने ऐड किया था वो भी हमारा यहां पर देखने के मिल जाएगा। तो लोकल थीम पे हम जाएंगे, यहां पर आपको दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, यहाँ पर एक भी परसेंटेज यहाँ पर नेट नहीं यूज हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो एक भी परसेंट इसके अंदर खूटी नहीं पकड़ा है, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोकल पे क्लिक करोगे एंड वॉलपेपर वाला ऑप्शन मिल जाता है, लोकल थीम। तो देखोगे तो जो कि ये वाला थीम से मैंने अपने फोन में पहले से ऐड किया था तो शो नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर शो हो चुका है। और इस थीम्स को हम डिलीट भी कर देते हैं, फिर से ऐड करके आपको दिखा भी देंगे। और यहाँ पर जो थीम्स पहले का ऐड है यहां पर देखते तो ये भी हमारा शो हो चुका है, ये भी थीम्स है, ये भी शो हो चुका। आप लोगों को दिखाया था आई थीम तो उसके अंदर नहीं मिल रहा था, तो ये भी शो हो चुका। अब दोस्तों यहां इसके अंदर न्यू थीम्स को ऐड करके दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने फाउंड ऐड करके आप लोगों को दिखा दिया, अगर आप लोग चाहोगे न्यू थीम्स को ऐड करने के लिए, तो फाइनली यहां पर कुछ ऐसे एप्लीकेशन को बताने वाला हूं। उस एप्लीकेशन में जो थीम्स मैंने अपने फोन में यूज कर रहा था वो थीम्स देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाता है ये वाला एप्लीकेशन, आपको अदरवाइज प्ले स्टोर से मिल जाता है डाउनलोड करने के बारे में, अदरवाइज इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो इसे आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा ये एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखोगे तो ये वाला थीम्स मैंने ऐड किया था और इस वाले थीम्स को मैं फिर से ऐड करके आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर जो थीम्स एप्लीकेशन है यहां पर मिल जाता है और यहां पर ऐड स्किप करते हैं और हम करते हैं डाउनलोड पे क्लिक। तो ये जो थीम्स एप्लीकेशन है, ये जो थीम्स इसके अंदर मिलता है, ये डाउनलोड हो रहा, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि 30 MB का थीम्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे डाउनलोड होने में। अब दोस्तों इसे हम डाउनलोड होने के बाद फिर बताते हैं आप लोग को अप्लाई करके। तो यहां पर देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है और यहां पर हमारे पास एक ऐड आ चुका है, तो ऐड को स्किप कर देना है, स्किप करने का ऑप्शन आ चुका है, यहां पर आप लोग स्किप कर सकते हो। स्किप करने के बाद अब क्या करना, आपके पास चेंज थीम्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर चेंज वाले थीम्स से आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके आई थीम्स के अंदर आ जाएगा। आने के बाद आपको लोकल थीम पे जाना है और यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे तो ऐड आ चुका है और ऐड भी हो चुका है। तो इसे आप लोग यहाँ से अप्लाई करके वीवो के B27
प्रो फोन में आप लोग यूज कर सकते हो और ये मेरे फोन में अप्लाई हो चुका है। तो फाइनली इस तरीके से मैं इसे यूज करता हूं। आप लोग भी थर्ड क्वालिटी थीम्स वगैरह ऐड नहीं कर पाता तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐड करके यूज कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बता दिया और थीम्स वगैरह ऐड भी करके आप लोग को बता दिया, तो फाइनली आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर एंड प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों।